एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं तमो जिले की खबरें। जिला मुख्यालय पर लालन बाग के पास माता रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक किया गया। श्रीमती बसंती देवी, जसवंत सिंह चौहान रिटायर्ड सूबेदार मेजर एवं डॉक्टर विक्रांत सिंह चौहान, डॉक्टर प्रशांत सिंह चौहान के द्वारा यह मंदिर का निर्माण कराया गया है। आयोजन के पश्चात यहां पर प्राण प्रतिष्ठा एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मालूम हो कि यह मंदिर पहला मंदिर है जिसमें भगवान श्री गणेश एवं माता रिद्धि सिद्धि की स्थापना की गई है। यहां पर प्रतिदिन ही विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके यह कार्य संपन्न कराया गया और प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके साथ भगवान भोलेनाथ की स्थापना भी शिवलिंग के रूप में यहाँ पर की गई है, जहाँ पर अब भक्तों की संख्या उमड़ रही है और भक्त यहाँ पर पहुँच करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बालाकोट रोड पर लालनबाग महर्षि स्कूल के सामने यह मंदिर स्थापित किया गया है, जहाँ पर चले 5 दिवसीय आयोजन में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए और यहाँ पर भगवान श्री गणेश और माता रिद्धि सिद्धि की स्थापना की गई। इस संबंध में कार्यक्रम के आयोजक परिवार सहित पंडितों के द्वारा विस्तार से इस आयोजन और मंदिर निर्माण के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई कि किस तरह से उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की प्रेरणा हुई और किस कारण से उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की है। आइए सुनते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस मंदिर का न केवल निर्माण कराया बल्कि प्राण प्रतिष्ठा करके यह मंदिर समर्पित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमने एक अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग जी की स्थापना करी है जो 2 हफ्ते पहले करी थी। ये ओंकारेश्वर से 40 किलोमीटर दूर बकावन करके एक जगह है, वहाँ से लाया गया और पंडित श्री विशेष तिवारी जी के माध्यम से ही इनकी प्राण प्रतिष्ठा करी गई। श्री गणेशाय नमः। ये भूतपूर्व सैनिक श्री जसवंत सिंह चौहान जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया है, जो कि उन्होंने अपने तन मन और धन पूरा सब कुछ समर्पित करते हुए इस मंदिर का निर्माण कराया है। दमोह का ये पहला मंदिर है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि की स्थापना पहली बार दमोह शहर में हमारे लालन बाग में हुई है, महर्षि स्कूल के सामने श्री रामकुंज कॉलोनी के बाजू से। गणेश जी रिद्धि सिद्धि की कृपा आज यहाँ पर 5 दिन का कार्यक्रम अनुष्ठान जो यज्ञ था वह सम्पूर्ण हुआ है और यह यज्ञ जो है 25 तारीख से आरंभ हुआ था। 25, 26, 27, 28, 29 आज जाके पूर्णा होती हुई और गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और प्राण प्रतिष्ठा भी ऐसे हुई कि चमत्कार भी देखने मिला, वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाए। जैसे ही भगवान का श्रृंगार पूर्ण हुआ और उनको शीशा दिखाया गया तो शीशा भी तुरंत एकदम फूट गया, ये एक चमत्कार हुआ। आप यज्ञ जो मंडप बना हुआ है वहाँ जो वेदी स्थापित की गई हैं वहाँ आप देखिए कलशों के पत्ते 25 तारीख से स्थापित हैं और अभी भी हरे हैं वैसे के वैसे। और यज्ञ की जो आहूतियाँ हुई हैं उसमें आप देखिए भगवान ने सारी की सारी आहूतियाँ अभी संपूर्ण हुआ है और अभी जाके आप दर्शन कर लीजिए वहाँ पर कुछ भी शेष नहीं है। भगवान ने सारा, बोलते यज्ञ की जो वेदी होती है भगवान का, भगवान की थाली बोलते हैं, वो भगवान की थाली होती है तो वो थाली भगवान ने जो ग्रास अपन ने दिए उनको आहुति के रूप में भगवान ने सारे वो ग्रहण किए हैं। और गणेश जी रिद्धि सिद्धि जो है इस यज्ञ की आहुति को प्राप्त करने के पश्चात हमारी उनसे प्रार्थना है वो हम पे कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से आज हमारे डॉक्टर साहब विक्रांत सिंह चौहान और इनके पिताजी और इनके भाई प्रशांत सिंह चौहान इनके द्वारा इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें सभी परिवारजन का संपूर्ण रूप से तन मन धन से और एकाग्रता से कर्मनिष्ठ होकर के सहयोग प्राप्त हुआ। जय श्री गणेश। क्या नाम लिखते पंडित जी? पंडित श्री विशेष तिवारी। कहाँ से? मोरगंज कल्ला मंडी राम मंदिर। सोचते ऐसा सर कि मैं मेरे को खुद नहीं मालूम, ऐसा है कि मेरे एक बार ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में तो उधर एक गणेश मूर्ति है 41 फीट ऊँची। मेरा भी इरादा था, मेरे को पता नहीं कैसे बोला कि मैं भी ऐसी मूर्ति बनाऊंगा, 41 फुट में भी लगाऊंगा सिंगल मूर्ति।
लेकिन यहाँ आया मैं पंडितों से सबसे मशवरा किया और भी याद किया, सिंगल मूर्ति से अच्छा है कि आप मंदिर बनाए। सिंगल मूर्ति में क्या है कि उसकी सही रखरखाव नहीं होगा, उसमें धूल मिट्टी चिड़िया ये सब चीज़ होंगी, हर चीज़ का असर पड़ेगा उसके ऊपर, जो कि कुछ दिन में आपका फिर दोबारा रिपेयर करते रहोगे। यही सब सोच के फिर मैं उनकी बात सही लगी पंडितों को, तो मैं बोला कि चलो ठीक है थोड़ा मंदिर बनाते हैं। मंदिर के लिए भी मैंने मूर्तियाँ बहुत ढूंढी कि मेरे को इतनी ऊँची मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। फिर इसको सेट करते करते फिर ये 3.5 फीट की मूर्ति मिली। फिर हम जयपुर गए, उधर देखा मूर्तियों को सब छानबीन किया, तो बोला बस इससे ज़्यादा बड़ी तुम्हें ज्वाइंट में मिलेगी, सिंगल पीस नहीं मिलेगा। तो बोला ठीक है सिंगल पीस इससे बड़ा मिल रहा नहीं तो हम काहे करेंगे। तो फिर हमने इसको सिंगल फिर ये बोला गणेश जी की, फिर हमारे और भी जो सहयोगी हैं पत्नियां हैं या मतलब माँ वगैरह, माँ तो खैर नहीं है बस और भी जो लेडीज, उन्होंने बोला कि नहीं आप पति पत्नी को बैठा रहे। तो बस हम ठीक है चलो पति पत्नी को बैठा रही है, इस करके हमने रिद्धि सिद्धि माता और गणेश जी का मंदिर बनाया। अब इसके बाद में एक दिन मुझे नहीं मालूम, हालांकि वो लेडीज़ को मैं डेली देखता हूँ दोनों को, उन्होंने रात में मैं बैठा था 9:15 बजे के आसपास, तो वो इधर आई मंदिर में, बोला इधर तुम किसकी स्थापना करने जा रहे हो? तो मैं बोला माता रिद्धि सिद्धि गणेश जी। बोला नहीं तुमने शंकर जी की स्थापना क्यों नहीं की? भाई पहले शंकर जी को स्थापित करो तब तो गणेश जी। मेरा भी थोड़ा सा तो हालांकि पहले पंडितों ने मुझे बोला कि शंकर जी को स्थापित करो, लेकिन मैं बोला नहीं इधर पर ये 3 के अलावा चौथा कोई चांस नहीं, किसी को और मूर्ति स्थापित नहीं करना। जब उन लेडीज़ों ने मेरे को बोला तब मेरे एकदम से दिमाग में बात पता नहीं क्या थी। तो फिर मैं दूसरे दिन पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने फिर सब कुछ बताया कि ठीक है शंकर जी की स्थापना इस कोण में ईशान में।